नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, चोर निशाना बनाने की कोशिश करते हैं दुकानदारों को। और यहाँ पर आप देखिए, दुकानों में लगातार चोरी हो रही है। सर्दियां जैसे शुरू हुई हैं, चोरी की वारदातें भी उसी के साथ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोहरा पड़ता है वैसे वैसे धुंध में जो चोर होते हैं रात को अपना हाथ साफ करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दुकान के बाहर का शटर दिखाना चाहूंगी। जैसे ही जो दुकानदार सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचते हैं, जो शटर के लॉक होते हैं वो टूटे हुए मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि एक बार फिर से चोरी हो गई। एक बार फिर से इस वजह से हुई क्योंकि अभी एक दिन भी नहीं बीता था और पहले भी यहाँ से 20,000 से 25,000 की नकदी की चोरी हो जाती है। और आज फिर सुबह जब ये लोग पहुंचते हैं तो इन्हें फिर से सदमा लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में जो कॉपर की वायर बताई जा रही है उसकी यहाँ पर चोरी हो जाती है। और ये देखिए जो इनके दरवाजे हैं वो किस तरीके से टूट जाते हैं, दरवाजे टूट जाते हैं। और अभी तो इन्होंने पहली चोरी की कंप्लेंट लिखवाई थी और उस कंप्लेंट के दौरान ही दूसरी चोरी भी यहाँ पर हो जाती है। क्या नाम है आपका? संचित नाम है जी। तो अभी आपको पता ही है, अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर चोरी हुई है। अभी परसों शटर के 24 घंटे बीते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सड़क अपना शटर के सारे ताले तोड़े तोड़ रखे थे। तो अब इन्होंने ऐसा करा, उस टाइम कैश कुछ की चोरी हुई थी, तो अब जो चोरी हुई है शटर पूरा, ताले तोड़े कुछ नहीं तोड़े, शटर पूरा टेढ़ा करके पूरी चोरी अंदर करी हुई है। बंदे घुसे हैं, कॉपर का पीछे तार है। बाहर से शटर तोड़े हुए थे, दिखाओ जरा के। क्या नाम है आपका? संचित नाम है जी। दिखाओ जरा, इन्होंने वीडियो भी बनाई हुई है। जब ये सुबह सुबह कितने बजे पहुंचे थे? 7:30 पहुंच गए थे जी। हमें यहाँ पर चाय वाला है, उसको जल्दी आ जाता है थोड़ा सुबह, तो उसका फोन आएगी आपका शटर टेढ़ा हुआ पड़ा है। तो ये देखो जी, ये हम आए हैं तो पूरा शटर टेढ़ा हुआ था, टूटा हुआ था ये। हाँ जी, पूरा टूटा हुआ था जी। ये देखो जी, ये सारा आप देख लो, इनका शटर ही टूटा हुआ था और ये थोड़ा ऊपर भी हो रखा है। हाँ जी, ऊपर हो रखा था जी सारा। ये देखो जी, तो ये देखिए शटर की तस्वीरें हैं जो कि आपको ऊपर आधा खुला हुआ ही एक तरीके से नजर आ रहा है। यानी चोर धुंध में अपना हाथ साफ कर जाते हैं। हालांकि कल की अगर मैं बात करूं, कल तो इतना कोहरा भी नहीं था, अभी तो धुंध पड़नी शुरू होनी है। कल नहीं था, पर बस आप देख लो पुलिस की लापरवाही है क्या है। मतलब अगर देखो, परसों हमने कंप्लेंट करी है, परसों का पूरा दिन, कल का पूरा दिन निकल गया, कोई कंप्लेंट, कोई टीम आई थी? आई थी, बस वो एक दो फोटो लेके चली गई है जी। 112 पे कॉल करा, खंगाले गए, नहीं कुछ नहीं करा जी, पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। 2 दिन निकल लिए, अगर पहले हो जाती तो ये शायद आज बच जाता। जो FIR दर्ज हुई है जी, परसों की दर्ज हुई है, पर कोई कार्रवाई नहीं है। परसों क्या चोरी हुआ था? परसों मतलब कैश था और थोड़ा बहुत जूसर वूसर है, वो चोरी हुए थे। तो आज कहाँ से, मतलब गले में से? हाँ, गले में से कैश निकाल रही। और आज कहाँ से चोरी हुई है? पीछे देखो सारा। हाँ जी, पीछे से चोरी हुई है दुकान के। तो ये देखिए, दुकान के अंदर घुसकर एक पूरा रैक पर से ही हाथ साफ किया गया है। पूरा रैक आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। क्या था भैया इस रैक में? इसमें जी कॉपर की तारें थी जी, मतलब कम से कम 1.5 लाख का सामान था जी चोरी हुआ है। कॉपर की तारें 1 से 1.5 लाख का, कॉपर के थिम्बल हो गए, वायर होगी, LED बल्ब हो गए, सारे उठाए गए जी। ये देखो आप, यहाँ फ्लोर रखा है जी सारा, यहाँ पर भी तारे वारे पड़ी थी जी, सारी निकाल के ले गए हैं जी। सारी निकाल के ले गए हैं, मतलब इतनी लापरवाही है पुलिस की तरफ से, कोई सुनवाई नहीं है जी। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है जी पुलिस की तरफ से। तो आप लोगों ने कोई CCTV कैमरा वगैरह भी लगवाए? CCTV लगवा रखे हैं जी, बस वो थोड़ा बहुत रिपेयर मांग रहे, तो आज बंदे आना था रिपेयर करने, तो बस वही है, थोड़ा लेट हो गया। तो वही क्या लग रहा है, कितने चोर दाखिल हुए? मतलब कम से कम अगर ये काम, मतलब 3-4 बंदों का है जी, 3 से 4 चोर का है काम। जो पूरा शटर जो तोड़ रखा है ये एक बंदे का काम नहीं है जी, 3 से 4 बंदे मिले हुए हैं। वाली चोरी का कुछ पता चला 24 घंटे? नहीं जी, नहीं कोई नहीं है जी, कुछ नहीं पता लगा जी, कुछ भी नहीं पता चला। पहले 20 से 25 हजार की नकदी की चोरी हो जाती है गल्ले में से, और उसके बाद आप देखिए दोबारा से चोरों का हौसला बुलंद है। दोबारा से चोरों का इतना हौसला बुलंद है कि 24 घंटे भी नहीं बीते थे और अगली ही रात यानी कल देर रात या फिर हो सकता है सुबह होने से पहले चोर अंदर दाखिल हुए और शटर तोड़ा, शटर के ताले तोड़े। ताले लगे हुए थे जी, तालों पे कोई हाथ नहीं मारा,
बस शटर पूरा टेढ़ा करा है जी, टेढ़ा करके तो अंदर घुसे हैं जी, तीन चार बंदे। इस तरीके का कुछ सामान होता है कि जैसे जिससे शटर तोड़े जा सकते? जरूर होगा जी, जरूर होगा। वो जरूर अपने लेके आए थे, सारा इंतजाम करके आए थे कि अगर ताले टूटे शटर तोड़ के निकलेंगे जी अंदर से। तो बस वो शटर पूरा तोड़ के अंदर गए हैं जी, तीन चार बंदे, पूरा हाथ साफ करा जी, रैक रूक पूरा कॉपर की तारे निकाल लिया जी, लेके आसपास वाले और भी इलेक्ट्रिकल इस साइड तो, क्योंकि करनाल का पुराना बस स्टैंड है, इस साइड तो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल। हाँ जी, बहुत दुकानें हैं जी, पर कोई किसी का कोई डर नहीं है जी, बस हमारी दुकान पे हुआ है जी। तो ये जी, पिछले साल भी ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, ये पहली बार हुआ है जी। पहली बार हुआ है, मतलब तीन दिन में दो बार जी, मतलब बहुत आम बात नहीं होती। आम बात नहीं है जी। और नुकसान काफी नुकसान बहुत बड़ा हो गया जी, नुकसान बहुत बड़ा हो गया, तो पुलिस को मतलब करना चाहिए जी इसके ऊपर। आसपास लगे हुए कोई कैमराज वगैरह आसपास? हाँ, बस वही है, पुलिस आएगी तो कुछ करेगी तो फिर निकलेगा जी। पुलिस अगर चाहे कर सकती है, बस वही है, देर हो रही है। आई थी पुलिस, 112 कॉल करी थी, नहीं नहीं 112 कॉल करी थी तो उनकी तरफ से आई थी, तो वो कहते कि आप सिटी थाने में वो कर। सिटी थाने में कंप्लेंट करने ही इनके जो घर वाले हैं वो गए हैं, दुकान के जो मालिक हैं, जो इनके पिता हैं वो गए हैं। और ऐसे में आप देखिए आसपास के जो दुकानदार हैं वो भी कहीं ना कहीं दहशत में है। आपकी भी दुकान है इधर? नहीं, यही काम करते हैं। यही काम करते हो आप? हाँ जी। और कौन है आसपास के दुकानदार? आसपास के दुकानदारों से भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस दुकान में चोरी हुई है वहां तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, लेकिन दुकानदारों से भी एक अपील जरूर है कि थोड़ा सा ही खर्चा है लेकिन उसमें आपकी बचत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस तरीके से अगर चोरी की वारदातें होती हैं तो कहीं ना कहीं चोरों के जो चेहरे हैं वो सामने आ जाते हैं कि आखिर कौन चोर है। आपने भी कोई कैमरा वगैरह लगवाया हुआ है? नहीं, कैमरा नहीं लगा, कैमरा तो लगा होगा अंदर। क्या नाम है आपका? गुलचरण सिंह। कैमरा लगा होगा? पता लगा होगा कि साथ वाली दुकान पे चोरी हुई है। हाँ जी हाँ जी, सुबह आया का माहौल है फिर। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमें लोग लगा के जाते हैं और कोई है नहीं। जीटी रोड का मामला, हमने आज तक तो ऐसा हुआ नहीं पहले कभी। आसपास के दुकानदारों ने कोई फैसला लिया है, कोई चौकीदार वगैरह रखेंगे कुछ इस तरह से? अब आते हैं भाव करते हैं, सलाह करते हैं, कोई बंदा रखना पड़ेगा, जरूरत है। अभी दो एक दिन पहले हुई है, एक दिन निकला आज फिर। बिल्कुल, एक दिन भी अभी निकला नहीं था कि अगले दिन ही चोरों ने फिर से एक ही दुकान पर दूसरी बार हाथ साफ कर लिया। और आसपास आप देख सकते हैं कि एक बार जो इन्हीं से बात कर लेते हैं जो दुकानदार हैं, क्या आपने फैसला लिया है, कोई चौकीदार वगैरह भी रखेंगे अगर इस तरीके से बार बार चोरियां ही होती रही? हाँ जी जी, रखेंगे, जरूर रखेंगे, बस आज ही करते हैं जी कुछ ना कुछ, बाकी करना पड़ेगा जी। कैमरे कुमरे भी अब मतलब थोड़े दिक्कत दे रहे थे तो वो भी ओके करवाए हैं, तो बाकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जी इनकी तरफ से भी, पुलिस वगैरह भी होना तो चाहिए। हाँ जी हाँ जी, होना चाहिए, लगा हुआ है जी, बस वही है, मौके की बात है, नहीं चल रहे थे, बस वही बात है, बस चल नहीं रहे थे। हाँ लगे हुए हैं जी, लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, बस चल नहीं रहे थे, मौके की बात है, बस कोई नहीं, वो भी आज करवाएंगे जी ओके सारा कुछ। बाकी देखो हमारी दुकान है जी, शटर तोड़ के तो सबके शटर हैं जी, किसी का भी हो सकता है जी, बाकी कल को ना होए तो पुलिस कार्रवाई करे जी इसके बारे में। बिल्कुल, पुलिस को जरूर इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द चोरों का पता भी लगाना चाहिए और उन्हें पकड़ना भी चाहिए, ताकि वो किसी और दुकान पर हाथ ना साफ करें। और सबसे बड़ी अपील एक ये भी है दुकानदारों से कि अगर आपने सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ है या फिर आप फ्यूचर में लगाने की सोच रहे हैं इन वारदातों से बचने के लिए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप अपने डीवीआर को किसी ऐसी सेफ जगह पर, किसी ऐसी खुफिया जगह पर लगाएं जहां पर चोर डीवीआर को उखाड़ कर अपने साथ ना ले जाएं, क्योंकि अक्सर इन मामलों में ऐसा देखा जाता है कि चोर डीवीआर को भी अपने साथ ले जाते हैं। और अपने आप में एक बड़ा मामला जरूर है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरी बार एक बड़ी चोरी हुई है। पहले नकदी चोरी हो जाती है और उसके बाद लगभग अब 1.5 लाख की जो कॉपर की वायर है वो यहाँ से चोर चुरा कर अपना हाथ साफ करके यहाँ से ले जाते हैं। और दुकानदार जो आसपास के दुकानदार हैं वो भी काफी ज्यादा दहशत में है, पुलिस को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।